हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर, कैसे हो आप फ्रेंड्स। अभी CBSE 12th का रिजल्ट आया है, टर्म 2 का, और जस्ट रिसेंटली CA इंटरमीडिएट का आया था, उसके पहले CA फाइनल का आया था। अब होता क्या है कि जब रिजल्ट्स का टाइम रहता है तो हम लोग सब कंपैरिजन में लग जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को अपने खुद के एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिलते हैं, या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से कम मिलते हैं, या अपने कोई फ्रेंड्स से कम मिलते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स को मार्क्स कम मिलते हैं तो वो बहुत ही अपने आप को कम समझने लगते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि इन द लॉन्ग रन मार्क्स इज नॉट द ओनली थिंग विच मैटर्स। ठीक है, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को 95% के भी ऊपर मार्क्स आए हैं CBSE 12th में, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट ओनली दो स्टूडेंट्स आर स्पेशल एंड एक्सीलेंट एंड अदर्स हैव नथिंग टू अचीव इन देयर लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको मार्क्स कम भी आए हैं, समझो आपको बहुत कम आए आपके एक्सपेक्टेशन से, तो आपने अब ये आपको एक मौका देता है इंट्रोस्पेक्ट करने का, एनालाइज करने का कि अपनी कुछ गलती हुई है क्या, अपन कहीं इंप्रूव कर सकते हैं क्या। And yes, you should understand that academics and marks is not the only thing which matters in life. Life is much bigger than marks. आप बस ये देखो कि आप qualities कैसे develop कर रहे हो, आप में skills क्या क्या आ रही है, and secondly, आप एक person कैसे बन रहे हो। So don't just weigh yourself on the basis of marks because it is easy. Try to develop all other qualities as well because in the long run they will matter. So thank you.